पाकिस्तान सिलेबस में है। मैंने वैसे आपने बहुत अच्छा पूछा ये है कि अगर 80 लाख हिंदू रहते तो उनको जो कुछ पढ़ते हैं उनको सब तो वहाँ जनाब ये मुसलमान भी जो है पाकिस्तान में पहला पीस है पुलिस बना हुआ टीम मतलब अभी भी अपनी बेहतर हालत में। इसके अलावा पाकिस्तान अपनी ऑस्ट्रेलिया में जाते हैं पर अंदर से वो होता ना कि वो वैसे बनाए गए हैं सही तो उनमें मतलब सब इकट्ठे भगवान हैं। पर ये हवेली है हरिसिंह नलवा की, ये क्लोज है। इसका रीज़न ये है कि इसका छत गिर चुका है। अच्छा। इसके अंदर म्यूज़ियम था जो सिख मज़हब से रिलेटेड जो चीज़ें हैं यहाँ हिंदू मज़हब से मुतल्लिक़ या बुद्ध से मुतल्लिक़ चीज़ें यहाँ पे आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट मिल रहा है। यहाँ पे छोटा सा उन्होंने काफ़ी सचिव की ज़मीन खुदाई की, ये सूबा गिर चुका था, उनको काफ़ी चीज़ें यहाँ पर उन्होंने इसको म्यूज़ियम बना दिया। तो अभी इसके छत गिरी हुई है तो ये सिख मज़हब से हरिसिंह नलवा का तलक ये पाकिस्तान में शहर डिस्ट्रिक्ट गुजरांवाला गुजरांवाला उससे तलक था और काफ़ी ब्रेव था, बहादुर था। जब सिख दौर आया तो उसने हवेली बनाई। क्यों बनाई? सिखों के मुताबिक बाबा गुरु नानक जी जो है वो पीर कंधारी हसनगार पंजाब साहब पे एक मुकाम है, वहाँ से वापसी पे यहाँ से तकरीबन 300 किलोमीटर का फसले पाए। जब वो वहाँ से वापस आए इस जगह पे तो उन्होंने अपना शुभ कदम जो है उनकी याद में जब सिख दौर आया तो उन्होंने हवेली हरिसिंह तो इसको बंद नहीं किया, पोलिटिकल एक्टिविटी के लिए इसको यूज़ करता था वो 47 साल से यूज़ किया। तो अब भी जो है वो पूरी दुनिया से स्पेशली इंडिया और कैनेडा से जो सीख है वो उसको देखने के लिए। सर लास्ट और बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है आपको दिखाएंगे तो स्पॉट बना हुआ है आ जाए नहीं सर आप आगे से ज़रा कैप्चर करना तो आपको मज़ा आएगा। बहुत अच्छे हैं सर ये अच्छा सर देख देखिएगा। अच्छा सर ये जो बना है ये इसे बोलते हैं सातगिरा। सातगिरा मीन सच्चे सर ये जो नीचे पत्थर है ये जी ये नेचुरल पुराने हैं कि ये सर नेचुरल पुराने हैं, ओल्ड हैं, इन पे एक्सपेरिमेंट किए गए हैं इसलिए आप देख रहे हैं गवर्नमेंट इसको छपवा दिया बट ये इसकी असली हालत को खराब ना किया। हाँ जी तो ये क्योंकि इस पर इसकी जो 10,500 साल पुरानी एज बताई गई है। इस पर जो आर्कियोलॉजी इस पर एक्सपेरिमेंट किए उसको रिव्यू हो जाए तो इसमें उन्होंने कहा कि जैसे आप जैसे हैं इसको ऐसे ही यहाँ तक सीढ़ियाँ बनी आगे बता दिया गया कि यहाँ से आगे सीढ़ियाँ नहीं बनानी। ये एक हमारा हिंदू भाई है तो प्रकाश नाम है उसका, इंडिया से आया था तो अमृतसर से बेसिकली पता लगा उसने ये एजेंडा उठाया कि भाई आपस में याद करिए क्या उसको मार्बल क्यों लगा रहे हैं, लेकिन उस वक्त तक ये बन चुका था। फिर गवर्नमेंट ने इसको चाहिए कोई एक्स्ट्रा काम ऐसा नहीं कर रहे जिससे इसलिए इसकी असली हालत को खराब। इसके लिए आपके अडवाणी साहब भी आए थे। हाँ जी 2005 और 2006 में। हाँ जी आपके अडवाणी साहब उन्होंने 51 मिलियन रुपीज़ में इंडियन डोनेशन यूज़ की। ठीक है तो ये उस वक्त प्रेजिडेंट ऑफ पाकिस्तान परवेज मुशर्रफ साहब थे। बस ठीक है ये हमारा दुनिया में 2nd मुक़द्दस स्थान है तो ये हमारे रिक्वेस्ट मानी जाए इसको जो है ना प्रिजर्व किया जाए क्योंकि ये उस दौर में फिर काम इसका शुरू हुआ और 2018 में इसको जो है ऐसे किया गया ये रुकवा दिया गया। अच्छा जी ये है जी देखने वाले पिंड 5 पांडव अर्जुन द्रौपदी वालदा चौकुंती और 7 लोग थे। हाँ जी ये मेन कैंप इसमें कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। ये 7 गिरा मेन सचेगा 7 सचेगा 7 का लफ्ज़ बहुत कम है 7 तेरे 5 साल हिंदू बहुत हमारे सच्चे सच्चे गांधी इसको बोला जाता है। ये जो है इसकी हिस्ट्री 5,500 साल पहले पैरामिड बने हुए हैं इजिप्ट के अंदर। हाँ जी, हाँ जी, ये है 4,500 साल, लेकिन ये उससे भी पहले का है, उससे पहले का 1,000 साल पहले की जगह है। अभी आपको उतार के दिखाएँ तो कौरवों और पांडवों ने जब महाभारत के अंदर तो उसके बाद पंच किया गया जी पांडव पर। हाँ जी, तो यहाँ पे उन्होंने स्टे किया। ये सारे फिर मंदिर कि जब पांच पांडव आए उस वक्त वहाँ पर भूत पात्र मौजूद था। ठीक, शिवलिंग जो है उस वक्त मौजूद था। 5 पांडव उसके अपनी इबादत किया करते थे। फिर पकाया मंदिर सारी बिल्डिंग्स 5 पांडवों ने बनी थी। 12 साल यहाँ पे वनवास काटा चलेगा। कुछ लोग सभी ठीक है, तो ये सारा जो मकान है उसी वक्त, क्योंकि जब उन्होंने लास्ट यात्रा स्टार्ट की थी कैलाश जाने के लिए। जी जी, जब वो सिर्फ विदेश नहीं पहुँचे थे, क्योंकि उसमें था कि जिसने कभी कोई अधर्म ना किया हो वही पहुँचे। ये पाकिस्तान में पहला एंटीक पीस है, चूने से बना हुआ 3 मंजिला, जो अभी भी अपनी बेहतर हालत में। इसके अलावा पाकिस्तान में कोई ऐसी चीज़ 5,500 साल पुरानी ज़मीन के ऊपर, इससे पहले कि जो पाकिस्तान में दरियाफ्त हुई है सन 1875 में, उनकी सिविलाइजेशन जो है उसकी एज 6,500 साल, लेकिन वो ज़मीन से नीचे दरियाफ्त हुई। जो ज़मीन के ऊपर आसार हैं ये 5 पांडव के जो आपके सामने। इसकी 5,500, इसको मुख्तलिफ अक्सपाई में बहुत सारी टीमें आती हैं यहाँ पर वर्क करने के लिए। इसको इसके तजर्बात क्या किए जाते हैं आगे वाकई इससे ज़्यादा की एज के ये बताए जाते हैं तजर्बात। मैंने बताया कि ये स्टोन पे वर्क किया 10,500, 11,000 साल, 12,000 साल के लिए आए। क्योंकि जब स्टूडेंट आते हैं उनके साथ भी मैं आता हूँ। ठीक, उनके जो स्टूडेंट आते हैं वो यहाँ पे वो फिर लेते हैं, तो कई दिन यहाँ पर उनका हॉस्टल भी बना हुआ है, यूथ हॉस्टल, इसमें वो रहते हैं। उनके सेमेस्टर थीसिस होते हैं हिंदुज़म पे। तो ये जो हिंदुज़म के ऊपर थीसिस होते हैं ये बुक्स में उनके पाकिस्तान के सिलेबस में है। मैंने वैसे जिससे कि रोशनी के लिए क्वेश्चन पूछा, आपने बहुत अच्छा पूछा। ये है कि अगर 80 लाख हिंदू रहते हैं तो उनको कुछ जो बुक्स पढ़ते हैं उनको कुछ ना कुछ तो वहाँ से। जनाब, ये मुसलमान भी जो है वो भी पंजाब यूनिवर्सिटी में इसको पढ़ाया जाता है। ठीक हो, ठीक है, क्योंकि मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी आज देखी, मतलब लाहौर में बहुत बड़ी। वो पंजाब यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट ज़्यादा आते हैं, उनके थीसिस होते हैं इस जगह। ठीक, तो वो ये ज़रूरी नहीं कि वो हिंदू लोग होते हैं। हाँ, मैं वैसे बता रहा हूँ 90% यहाँ पे मुस्लिम आते हैं। अच्छा जी, वो हिस्ट्री से रिलेटेड हैं, तो वो हिंदुज़म पे वो करना चाहते हैं, वो सारा रिसर्च करना चाहते हैं। ठीक, मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे जो दिमाग को घुमा देते हैं, ऐसी ऐसी हिस्ट्री के बारे में जानते हैं। हाँ, मैंने भी बचपन में पढ़ी थी थोड़ी बहुत, तो जो इंडिया में पढ़ी थी वो। अब जितना हमें मालूम है आपको तो शायद उससे बहुत ही ज़्यादा मालूम है, पर यह था कि हम थोड़ा रिलीजन के साथ अटैच रहते। मैं पर्सनली बात करता राजा रंजीत सिंह ने आपने जो छोटा जनरल है हरि सिंह नलवा, हाँ जी, उसने जो हवेली बनाई तो फिर यहाँ पे सिखों का कब्जा हो गया, तो इसको फिर सियासी तौर पर इसके यूज़ किया जा रहा है। इसके लिए यहाँ पर पोलिटिकल एक्टिविटी हुआ करती थी, उनके लिए किया करती थी, और यहाँ पर सिखों का जो है सारा ये वाला अभी भी मौजूद है। तो फिर इसको किला बनाया गया, किला का नाम दिया गया 18वीं सेंचुरी में। लेकिन अब दोबारा जो है ना मेरे पार्टीशन से पहले यहाँ पर हिंदू कम्युनिटी बहुत ज़्यादा थी, आपको बता इसमें भी आते हैं बहुत ही समाज, इंडोनेशिया से बहुत ज़्यादा सुधार है, इंडोनेशिया से ज़्यादातर आते हैं। और इसके बाद पाकिस्तान में एक रावलपिंडी नाम सुना होगा, हाँ जी, वो शोएब अख्तर के नाम से, हाँ जी, इसलिए मालूम है रावलपिंडी एक्सप्रेस बोलते हैं। उसके साथ एक टेक्सला है, स्मॉल सिटी है टेक्सला, हाँ जी टेक्सला, जहाँ पे बुद्धिज़्म की यूनिवर्सिटी बनी हुई है। जनाब बुद्धिज़्म आप तो सारा जानते हैं, उससे मिलती है इसकी सिविलाइजेशन। अच्छा, ये आपस में कॉन्टैक्ट में थे, वो सबसे बड़ी एशिया की वो टेक्सला थी, वो सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी ये इस वक्त, जी जी, तो वो जो है ना उसकी सिविलाइजेशन से इसका मुकम्मल है सारा मिलता है। ये 3500 अशोका के भी आसार मिलते हैं वहाँ पे, यहाँ भी अशोका द ग्रेट, हाँ जी जी, मैंने एक मूवी देखी थी, वो थी शाहरुख खान की मूवी अशोका, और उसमें ये नहीं मेरे को मालूम कितना फिक्शन था कितना उन्होंने, जब आप जाना करीना कपूर वाली, हाँ जी हाँ जी, वो मेरे को रियलिटी में नहीं पता कितना रियलिटी थी उसमें। जब बंदा किसी मुकाम पे जाता है ना, अब आप आपको आ गया ना, अब आप मूवी देखेंगे आप किसी और माइंड से देखेंगे, हाँ जी हाँ, अब आप हिस्ट्री जानने की कोशिश करेंगे, मैंने देख के आऊँ अशोका कौन था कैसे था, तो ये बड़ा ग्रेट बहादुर था द ग्रेट शोक आजम। अच्छा, इसके देखने के लिए बाहर की केव बनी है, आपने मुझसे पूछा केव कहाँ है, ये 5 पांडव थे जाना, हाँ जी, इसमें पत्थर चले काटा करते थे, ठीक है। ये एक रोड दरमियान जिस रोड से आप आए ये 1970 में बनाया गया, 1970 में यहाँ के गवर्नमेंट ने इजाज़त दी, क्योंकि यहाँ एक बड़ा शहर बन गया और इस तरफ एक शहर है कलर का हाथ, तो इनको तो फिर इनको कलर कार फिर इनको मिलाने के लिए यहाँ से दरमियान में रोड गया। ये सारे कैंपल जो है ये एक ही वहाँ पर 25 एकड़ में नई बिल्डिंग बनी हुई है, सारा पहाड़ के ऊपर बनी है, फिर ये डिवाइड हो गया, तो अभी गवर्नमेंट पुल बना रही है। अच्छा, यहाँ पे चेयर लिफ्ट लग रही है, बड़ा काम यहाँ पे आपको बताया कि यहाँ पे वर्ल्ड बैंक भी है, वो चेयर लिफ्ट यहाँ से ये ऊपर पहाड़ी है और उस पहाड़ी से, अच्छा उस पहाड़ी के लिए, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, चेयर लिफ्ट ईजी और कुछ भी हो जाता है। तो ये जो है अल्बर्टूनी साहब आए, तो ये हमारे भी इधर साहब, हाँ जी, उन्होंने जगह कब्जा किया, ये परवेज लाई साहब, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, दोनों भाई भी इस जगह पे ठीक है। थोड़ी बहुत हम न्यूज़ सुनते रहते हैं ना, तो 2 भाई हैं ये, हाँ वो नीचे नाम लिखा है, आपका पता नहीं कैसे शुक्रिया आ गया तुमने सर भाई। मैं ये भाई तो पाकिस्तान से मुझे पूछता है वो हिंदी आती पढ़ना, तो मैं पढ़ सकता हूँ बोला नहीं, अब लिखने में थोड़ा हो जाता है कि बहुत आई थिंक 17 ईयर से हिंदी में लिखा नहीं कुछ भी, तो जब लिखता हूँ तो कई बार याद नहीं आता कि कैसे उसको एग्जैक्टली मतलब अगर तुम सवालों के जवाब दे दोगे तो मैं तुम्हारे भाइयों को ज़िंदा कर दूँगा, अगर तुम नहीं दे पाओगे तो तुम भी इस पानी को मर जाओगे। तो उसने 5 क्वेश्चन पूछे थे, तो क्योंकि एक क्वेश्चन के ऊपर उसका एक भाई था, तो अगर एक क्वेश्चन सही है तो एक भाई ज़िंदा करूँगा, 2 सही है 2 भाई ज़िंदा करूँगा, अगर कोई नहीं है तो कोई ज़िंदा नहीं। बिल्कुल, ये इधर ये 5000 साल पुराना आस्थान है, ये 5 पांडु यहाँ पे आए, उसके बाद ये 3 तहजीबों का गवारा है, बौद्ध मत, हिंदू मत और सिख। बौद्ध मत का स्तूपा है, हाँ जी, हिंदू मत के मंदिर हैं जिनमें श्री शिव मंदिर, श्री हनुमान मंदिर, श्री रामचंद्र मंदिर, सतगड़ा मंदिर, सबसे कदीम मंदिर सतगड़ा का मंदिर है, ठीक। और फिर इसमें लेटर पीरियड सिख पीरियड है, जब हरि सिंह नलवा रंजीत सिंह का जब जर्नैल था वो हरि सिंह नलवा, उसने यहाँ पे हवेली बनवाई, हाँ जी जी, ये 3 अदवा। फिर अलबैरूनी भी यहाँ पे आए, अलबैरूनी मशहूर साइंटिस्ट थे, स्कॉलर थे, उन्होंने कटास में संस्कृत ज़बान सीखी, फिर इस जगह से जाकर किला नदना पर गए जो बागा वाला के करीब है, उस किले पर ठहर कर अलबैरूनी ने मुख्तलिफ इल्मी तजर्बात करके ज़मीन का कतर मालूम किया, और एक किताब लिखी जिसका नाम था किताब-उल-हिंद, ये हिंदू धर्म से बहस करती है, अच्छा हिंदू कल्चर से बहस करती है। ये आप लिखेंगे हिस्ट्री ऑफ कटास राज शकील मलक यूट्यूब पर, मेरी इंग्लिश उर्दू में डॉक्यूमेंट्री आएंगी। इसका गाना भी मैंने सीखा पंजाबी जबान, पंजाबी की समझ आती है? हाँ जी आती है। मैं आपको लाइव सुनाता हूँ। मैं इधर एक सोना दूजा दिल दा डाडा त्रीजा लग्या नो भी उठाई वे कौन वकील गतादर तेरे उथे जा भी वकीलां दी नाई ओ तेला बाज नबलान मिसाला अते दर्दा बाज न आई की होया तुसा बोलन छड़या ओ असा वेखण छड़ना नाई कोई काली अशारा तां पूरा पाकिस्तान बहु सोना है भला कटास दिया क्या बातां मैं इत्था ते ढोल कटासे आए चिट्ठियां लग गई आसे मैं इत्था ते ढोल कटासे मंगया पानी लगिया प्यासे जिमें खली कटासे इट्टा पई गिण दिया मंदर दिया टोर गया ढोला ला गया मरेजा अंदर दिया भला छोड़ रोसे में विचो पया लभदा के माया चार डांगे जिंदगी किस नाल रुसने के माया। फुली ऑन यूट्यूब शकील मलक कटास राज, आप लिखेंगे शकील मलक कटास राज, ये पूरा गाना आएगा। अच्छा जी हाँ।